छठे चरण में जनपद के 4,126 बूथों पर 9 विधानसभा में मतदान प्रक्रिया में युवा बुजुर्ग महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। सभी आयोग के निर्देश के क्रम में बने मतदान स्थलों पर पहुंच मतदान करने के बाद सेल्फी पॉइंट पर आकर परिजनों के साथ सेल्फी ली। मतदान स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ उत्साहित मतदाता पहुंचे और अपनी बारी का इंतजार कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। दिखा दीजिए। नहीं उसका नहीं, उसको नहीं, उसको नहीं। इस संबंध में संवाददाता से बात करते हुए मतदाताओं ने बताया, सब लोग अपने घर से निकलें, वोट जरूर डालें एक दंगा मुक्त सरकार के लिए। पहले मतदान फिर जलपान। मैंने वोट दिया, मैं बोलूंगी सबको आके वोट देना चाहिए। किन मुद्दों पर आपने वोटिंग की, क्या मुद्दे जी जो आपने वोटिंग की है, किन मुद्दों पर देखते थे? अपने देश की प्रगति के लिए। जो अभी रिसेंटली हालात चले हैं, मतलब जैसे 2 साल में हम लोग देखें कोरोना का केस आया, अभी जो है यूक्रेन का जो केस आया, उन सबको देखते हुए हम लोग ने वोट डाला। प्लस यहाँ पे जो भी गोरखपुर में जितना अच्छा हुआ इधर रिसेंटली 5 ईयर्स में देखा जाए तो उस अकॉर्डिंग हम लोग ने सब किया। हाँ भैया, विकास विकास के नाम पर हम लोग वोट दे रहे हैं। जो भी पार्टियाँ विकास करेंगी उन्हें 100% वोट देने की व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं। और हम चाहते हैं महिलाओं की सुरक्षा हो, बच्चों की शिक्षा और सस्ती हो, महंगाई कंट्रोल हो। मुद्दे तो बहुत से हैं, खास करके विकास का मुद्दा है, ठीक है। इसके अलावा जो है शिक्षा, चिकित्सा और खास करके जो महिलाओं को आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, सुरक्षा मिली है, इन मुद्दों को लेकर के जो है हमारा वोट है। अच्छा लग रहा है और मतलब हम तो उसी को वोट देंगे जो हमारे लिए जो जो अच्छा करेगा। क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों को देखते हैं? हाँ, किन मुद्दों को देख के आप वोट करेंगे, क्या किस तरह के मुद्दा? हम जैसे
नॉर्मली हम जाते तो देखते कहाँ का विकास हो रहा है, अगर लग रहा है कि हाँ ये पार्टी इतना विकास की अच्छा खासा विकास कर रही है तो उसको वोट देंगे। कितना उत्साह है पहली बार वोट देने के? उत्साह तो बहुत है लेकिन थोड़ा नर्वस भी है कि पहली